अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका इस वीडियो में वेलकम है। देखिए, हम एक मार्क के जो क्वेश्चन है वो सीख रहे हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सीखेंगे, जो कि एक मिनट में कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन में आते हैं। इससे पहले मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन आपको कराया हूँ, उसका वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है अपने प्ले लिस्ट में। ओके, तो हम इस तरह से आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ पे दिया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब मियारी सूरत में लिखना है और उसके एबीसी की वैल्यू मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन दी हुई है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रहता है मियारी सूरत? पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, पहले पावर दो रहता है, फिर पावर एक और फिर कॉन्स्टेंट। तो उस सूरत में एक्स की दूसरी, ये एक्स को इधर लाए तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, और थ्री जैसा कि वैसा, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इस हिसाब से ए की वैल्यू कितनी होगी? वन। ए की वैल्यू कितनी होगी? वन। बी कितना हो गया? बी हमारे पास हो गया माइनस वन। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो माइनस वन, और सी इक्वल टू फिर माइनस थ्री, ये होगी ए बी सी की वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए हमको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे दो हो जाएंगी। बी की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू मतलब कीमत, पाँच, माइनस पाँच। और सी कितना हो जाएगा? सेवन, ये हो गया सी। ए बी सी आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके ए बी सी मालूम करना है। ए क्या रहता? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जरीब। बी क्या रहता? एक्स का, और ये सी कांस्टेंट रहता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटे, यहाँ पे कि हमको ये डिसाइड करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते, क्योंकि हमने अभी देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती, जिसकी डिग्री दो रहती, मतलब जिसका दर्जा क्या रहता? दो। डिग्री क्या रहती इसकी? दो। डिग्री मतलब इसका पावर, लेकिन इसका पावर यहाँ पे तीन है। पावर कितना है? तीन है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस आपको रीजन लिखना है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मुरब्बई मसावात नहीं है। क्यों नहीं है? इसका दर्जा तीन है, हमको दो होना, पावर कितना होना हमें? दो। ठीक है, आई होप आपके समझ में आऊंगा इसका स्क्रीनशॉट। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मालूम करना है कि सामने की जो वैल्यू है ये रूट है या नहीं है। अब रूट मतलब जजर। अब हमको क्या करना है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे रूट की वैल्यू अगर मालूम करना है, रूट है या नहीं, तो हमको पता है इक्वेशन को दो साइड रहते, एक रहता एल एच एस और एक रहता आर एच एस। तो देखा जाए तो ये हमारा एल एच एस हो गया। क्या हो गया? ये एल एच एस और ये आर एच एस। जब एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा तो गिवन वैल्यू दी हुई कीमत सामने की रूट होंगी, और नहीं होगा तो नहीं है। इसका मतलब हमको जीरो लाना पड़ेगा। तो इक्वेशन लेते हैं हम, दो एम स्क्वायर माइनस पाँच एम इक्वल टू नहीं लेना, यहाँ पे चेक करना जीरो आता के। दो टाइम एम की वैल्यू कितनी है? दो, दो का स्क्वायर माइनस पाँच टाइम, फाइव टाइम्स इंटू टू। तो अब देखिए दो, दो का स्क्वायर कितना होता है? चार। दो का स्क्वायर चार, माइनस पाँच दूनी दस, फाइव टू ज़ा टेन, फोर टू ज़ा एट, चार दूनी आठ। अब आठ में से चल जाएंगे दस, आठ में से दस गए तो कितना आएगा? दो। इसका मतलब दो आ रही है। हमारा यहाँ क्या था? जीरो, जीरो आना चाहिए था, लेकिन जीरो नहीं आ रहा, मतलब टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये रूट नहीं है, दी गई वैल्यू जजर नहीं है। तो जजर कैसे निकालते बेटे हम? जजर निकालने के लिए हमको जब वैल्यू दी जाती है, जो कीमत है, उसको रखने का अंदर और चेक करने का कि उसको रखने के बाद जीरो आता है क्या, और जीरो आता है तो रूट है, और नहीं आता तो रूट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रूट मालूम करना है, मतलब एक्स की वैल्यू मालूम करना है, रूट मतलब जजर। तो आपके पास यहाँ पे दो कीमतें दिया ली, एक्स प्लस पाँच इक्वल टू एक्स प्लस पाँच इंटू एक्स माइनस दो बराबर है जीरो। तो ये दोनों कीमतें जीरो से कंपेयर करना है, मतलब पहले एक्स प्लस पाँच इक्वल टू जीरो, ओके। तो यह प्लस पाँच इधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस पाँच। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का पाँच। तो पहला रूट आ गया यहाँ पे माइनस का पाँच। अब यहाँ से एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस टू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? टू। तो ये देखिए हमने दो रूट यहाँ पे मालूम कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखे कि रूट किस तरह से मालूम करते, और स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लेकर आते, ए बी सी किस तरह से मालूम करते, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको एक बार परफेक्ट कर देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।